हजारों गम छुपाए दिल में, मुस्कुराते रहना महफिल में। हंस हंस कर हर किरदार निभाया, सब लोगों का प्यार है पाया। हिंदी फिल्मों के दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक उन मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट में से हैं जिनका स्ट्रगल और काम हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। अपने 4 दशक के कैरियर में सतीश जी ने ना सिर्फ कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई, बल्कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है, जो हमेशा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। 9 मार्च को सतीश कौशिक के निधन की खबर आने से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, पूरा देश हिल गया। सतीश जी उन कलाकारों में से थे जिन्हें हर उम्र, हर तबके के लोग पसंद करते हैं, और उनकी जगह को अब शायद ही कोई भर पाएगा। आज का ये वीडियो एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, कॉमेडियन और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक को एक ट्रिब्यूट है, जिसके जरिए हम जानेंगे सतीश कौशिक की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। भैया तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया है। बंदे को शराफत अली कहते हैं। सेठ जी, इम्तिहानों के दिनों में है ना, मेरे भांजी की तबीयत थोड़ी नरम थी, इस करके नंबर थोड़े कम आए हैं। तू की स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक है ना भांजा है, नाम उसका है राजा। मैं ना बहुत प्यार करता हूँ उसको। मैंने है ना उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी दांव पे लगा दी। ओ भाई, टिकट उधर मिलती है। अच्छा, अंग्रेज कोई सताए ना आधी रात को आवाज देना। आपका हर काम आधी रात को क्यों होता है? दिन में आप सोते हैं क्या? जी मैं सो या जागू आप। सर, ये जाम टेंडर्स के ना। उल्लू का पिल्लू। कितने बजे हमारी घंटी सर? हम देखता हूँ, हम देखता हूँ, नहीं मैं देखता हूँ। और मैं नौकरी के लिए इसे किधर किधर नहीं लेके गया, और पर इसने और मेरी इज्जत की बेइज्जती करके रख दी सब जगह। और बोलता है इंडिया इज काऊ, इंडिया गाय है। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश कौशिक दिल्ली के करोल बाग में अपने माता पिता और 6 भाई बहनों के साथ रहते थे। सतीश जी की स्कूलिंग पढ़ाई दिल्ली में हुई थी, और दिल्ली के ही किरोड़ीमर कॉलेज में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। सतीश जी को एक्टिंग से बचपन में ही लगाव हो गया था। जब वो फिल्मी पर्दे पर बड़े बड़े स्टार्स को देखा करते थे तो उनसे काफी प्रभावित होते थे। उन्हें लगता था कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। सतीश कौशिक के पिता हरि संताला कंपनी से सेल्समैन का काम करते थे। सतीश जी ने एक्टर बनने की बात जब अपने पिताजी से कही तो उनके पिताजी उनकी बात सुनकर काफी हैरान हुए और कहा कि ये हमारा काम नहीं है। उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद सतीश जी ने अपने बड़े भाई को भी एक्टिंग फील्ड को अपना करियर बनाने की इच्छा बताई तो सतीश जी की बात सुनकर इतना भड़क गए, उन्होंने सतीश जी के मुंह पर एक चारपाई ही दे मारी। हालांकि सतीश कौशिक को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ा और जो उन्होंने ठान लिया था उसे करके ही दम लिया। एक इंटरव्यू में सतीश कौशिक ने बताया था कि पिक्चर देखने का मुझे बहुत केला था, लगता था ये जो महमूद साहब करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, वो मैं भी तो कर सकता हूँ। सतीश जी ने बताया था कि महमूद भाईजान की पिक्चर्स बहुत देखा करता था, वो शानदार एक्टर थे और मैं उन्हें देखकर कहता था कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मशहूर टीवी शो जीना इसी का नाम है पर उनके दोस्त ने बताया था कि सतीश फिल्म देखने के बहुत शौकीन हुआ करते थे, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते थे। ऐसे में जब फिल्म देखने के लिए पैसे चाहिए होते थे तो घर पर सतीश एक ही किताब को 2 बार खरीदने का बहाना किया करते थे। सतीश को फिल्म देखने का इतना जुनून था कि कई बार तो वो अपनी किताबें ही बेच दिया करते थे और उन पैसों से मूवी देखने जाया करते थे। एक बार तो सतीश ने फिल्म देखने के लिए माँ के पैसे भी चुरा लिए। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अपनी माँ के तकिए के नीचे से उन्होंने एक बार 5 रुपए का नोट चुराया था और यह खबर पूरी गली में सबको पता चल गई, जिसके बाद उनका नाम लोगों ने हरी पत्ती रख दिया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सतीश ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में एडमिशन ले लिया, जहां एक्टर अनुपम खेर भी उनके साथ एक्टिंग कोर्स कर रहे थे, और NSD से हुई उनकी दोस्ती सतीश कौशिक के आखिरी दिनों तक कायम रही। दिल्ली में एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से भी एक्टिंग का कोर्स किया और फिर किस्मत आजमाने मुंबई के लिए निकल पड़े। गुजारा करने के लिए उन्होंने एक कंपनी में नौकरी कर ली, दीवार पर लटकी यार्न को लकड़ी से साफ करना।
इन्होंने लगभग एक साल तक ये काम किया। किसी तरह से सतीश जी को असिस्टेंट डायरेक्शन का काम मिल गया और करियर की एक छोटी सी शुरुआत भी हो गई। सतीश जी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर साल 1983 में आई शेखर कपूर की फिल्म में मासूम के जरिए अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की थी और उसी साल आई एक और फिल्म जाने भी दो यारों के बाद सतीश ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक इंटरव्यू में सतीश कौशिक ने अपने स्ट्रगल के टाइम की बात बताई और एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताया। दरअसल सतीश जी इन दिनों कुछ बीमार थे और अस्पताल से एक्सरे कराकर लौट रहे थे। रास्ते में वो मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल जी से मिलने पहुंच गए और उनकी फिल्म में अपने रोल के लिए मांग की, जिस पर श्याम बेनेगल ने सतीश से कहा कि कोई फोटो हो तो दे दो, अगर उनके लायक रोल हुआ तो बता दिया जाएगा। उस समय सतीश जी के पास कोई ऐसी फोटो नहीं थी, लेकिन उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, सर फोटो तो नहीं है लेकिन मेरे पास मेरा एक्सरे है और मैं अंदर से बहुत अच्छा इंसान हूँ, आप देख सकते हैं। सतीश जी की इस हाजिर जवाबी पर श्याम बेनेगल बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने सतीश जी को अपनी आने वाली फिल्मों में काम दिया। सतीश जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें पहली बार सही मायने में पहचान फिल्म मिस्टर इंडिया से मिली थी, जिसमें उनका किरदार कैलेंडर काफी पॉपुलर हुआ। आगे चलकर सतीश कौशिक ने मोहब्बत, जलवा, राम लखन, जमाई राजा, अंदाज, मिस्टर और मिसेस खिलाड़ी, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, परदेसी बाबू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, राजा जी आप लौट चले, हम आपके दिल में रहते हैं, चल मेरे भाई, हद कर दिया आपने, दुल्हन हम ले जाएंगे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गॉड तुस्सी ग्रेट हो, और कागज समेत 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। फिर दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर के रोल में भी सतीश जी को खूब पसंद किया गया और उनकी पहचान बन गया। अवार्ड की बात करें तो फिल्म राम लखन और साजन चले ससुराल के लिए सतीश जी को 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ सतीश जी ने वेब सीरीज की दुनिया में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। उन्होंने कर्मयुद्ध, ब्लडी ब्रदर्स, गिल्टी माइंड्स, स्कैम 92, चार्जशीट, इनोसेंट और मे आई कम इन मैडम के अलावा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पॉपकॉर्न में भी शानदार काम किया और अपने आखिरी दिनों तक OTT पर भी छाए रहे। सतीश कौशिक ने करीब 1 दर्जन से अधिक फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। इसकी शुरुआत रूप की रानी चोरों का राजा से हुई थी। बाकी ढेरों दिग्गजों और उस वक्त की सबसे महंगे बजट के होने के बावजूद यह फिल्म फ्लॉप हो गई। एक इंटरव्यू में सतीश जी ने बताया था कि इस फिल्म के फ्लॉप होने से दुखी होकर उनके मन में सुसाइड तक का ख्याल आने लगा था। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म साल 1995 में आई प्रेम थी। हालांकि इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कारनामा नहीं करा। कामयाबी का स्वाद सतीश ने साल 1999 में आई फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से चखा था। इस फिल्म ने उनको डायरेक्टर के तौर पर एक खास पहचान दिलाई थी और सुपरहिट साबित भी हुई थी। आगे चलकर सतीश जी ने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में बनाई। उनमें हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम जैसी बड़ी और सफल फिल्मों का नाम शामिल है। डायरेक्टर के तौर पर उनकी आखिरी रिलीज फिल्म कागज है, जिसमें एक्टर पंकज त्रिपाठी ने लीड रोल निभाया था। सतीश जी ने अपनी कई फिल्मों को खुद ही प्रोड्यूस भी किया था, साथ ही वो एक बेहतरीन राइटर भी थे। ढेरों फिल्में लिखने के साथ साथ सतीश जी ने अपने करियर की शुरुआत में ही कुंदन शाह की फिल्म जानी भी दो यारों के लिए उनके साथ मिलकर डायलॉग भी लिखे थे। सतीश कौशिक ने अपने करियर के स्टार्ट होने के 2 साल बाद ही साल 1985 में शशि कौशिक से शादी कर ली थी। सतीश जी और शशि कौशिक की शादी के बाद एक दुखद घटना भी घटी, जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। दरअसल उनके बेटे शानू ने महज 2 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। इस हादसे के बाद भी सतीश कौशिक पर्दे पर सबको हंसाते रहे और कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने इस दर्द को किसी से साझा नहीं किया, तो भीतर ही भीतर कितने टूट चुके थे। बाद में 56 साल की उम्र में सतीश कौशिक के घर पे एक बार फिर से खुशियां लौट आई और उनकी बेटी वंशिका का जन्म हुआ। इस बच्चे के आने के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे दर्दनाक और लंबे इंतजार का अंत हो गया।
दोस्तों सतीश कौशिक का इस तरह से जाना उनकी फैमिली के साथ साथ उनके चाहने वालों के लिए भी एक बुरी खबर थी। सतीश कौशिक को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फैमिली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें इस दर्द को सहने की शक्ति। तो दोस्तों इसी के साथ ही सतीश कौशिक जी के जीवन पर बनी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। सतीश कौशिक जी का कौन सा किरदार आप अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।